आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं जैसे ही माइक पर काव्य पाठ के लिए आया, चाय आ गई। हालत यह है कि चाय वाले तो आज की तारीख में कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी आज से 4 साल पहले चाय वाले को कुछ भी कहा था, वो आज किसी को कुछ कहने के लायक नहीं है। नया ये नया है। सामने अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग चाय पियेंगे। बाबूजी, अब चाय के साथ लोग पकोड़े भी खाए जाते हैं पिछले 1 साल से। पहले खाली चाय पी ली आती थी, अब पकोड़े साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देती है सरकार। मैं 4-4 लाइनें आपको सुनाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोगों तक मैं कितना पहुंच पाता हूँ। आप लोग जितना मुझ तक पहुंच पाएंगे, आप यकीन मानिए, ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम, महोत्सव का कार्यक्रम आपके दिलों पर पूरे साल भर के लिए छाप छोड़ कर जाएगा। मैं पहली 4 लाइन सुनाता हूँ। भगवान मुझे आप, भगवान मेरा साथ, आप ऐसे निभाना। वाह कमल, सुनो, बहुत बेहतरीन कविताएं मेरे छोटे भाई कमल ने सुनाई। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा ऊर्जावान है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ भैया। सॉरी। भगवान मेरा साथ, आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बना। मिल करके चेक लीस यही बोले मालिया। वाह, मुझको भगा दे, तुझको कैलेंडर में गिफ्ट दू। मुझको भगा दे, तुझको कैलेंडर। अच्छा, मैं पहले सोच रहा था मैं इसको ऐसा लिख दूं, मुझको भगा दे, तुझको कैलेंडर में छाप दूं। फिर मैंने सोचा यार, ये अरुण जेटली कैसा लगेगा आजकल। कुछ चोर आए, कईयों की चोटी चुरा गए। मैं बचा हुआ रह गया, बांध रखी थी। वाह वाह। कुछ चोर आए, कईयों की चोटी चुरा गए। बाबा थे कई, कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुराए। पिछले दिनों परम पूज्य संत आसाराम बापू से मिलने के लिए एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, 4 महीनों में परोसता हूँ आप लोग। स्वागत स्वागत स्वागत। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई। जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशा राम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। वही बात, वही बात, वही कर रहे हो। आशा राम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। वाह। और 4 लाइनें सुनिएगा साहब। स्वागत। मैं किसी भी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ, जो दिखता है वो लिखता हूँ। मुझे नहीं पता अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, सपा से हैं। मुझे एक बात पता है कि मैं पब्लिक के बीच का हूँ और पब्लिक की बात मन से कहूंगा। वाह वाह स्वागत। चार लाइने सुनिए, बिल्कुल हास्य को बिल्कुल चरम तक पहुँचाता हूँ। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने कहा कि सरकार मोदी जी ने तोड़वा दिया, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने तुलवा दिया, लोगों ने कहा कि अमित शाह की कारिस्तानी है। अच्छा, अमित शाह भी कमाल के, पिछले दिनों वोटिंग मशीन पे खुद ही वोट डालने चले गए।
तो ईवीएम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सर आपको आने की क्या जरूरत थी? आप जिधर कहते मैं उधर पड़ जाती। क्या बयान दे रहे युवा, कमाल है साहब इनका। मैं चार लाइनें सुनाता हूँ, बिहार की सरकार टूटी क्यों। वाह। और ग्रेटर नोएडा के प्रबुद्ध लोगों, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली है कि बिहार में सरकार टूटी क्यों, तो जो आप लोगों ने प्रेम अब तक नहीं दिया बिल्कुल सलीके की बात पर अब दे दीजिए। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। मैंने तो बचपन में ही पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करना, शक्ल दिखा के तो वैसे भी नहीं होगी। जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाए, चार चार लाइनें सुने, थोड़ा सा इको दे दीजिए इसका, बहुत थोड़ा सा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं पंद्रह लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं पंद्रह लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम चिताते रहेंगे। वाह। अगर कल को हार जाएगा तो कौन देगा। तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रचाई तेरी लिंक नहीं। मोदी ने ये कहा आधार से। अच्छा मैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूं, आज से मात्र दो सवा दो साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप तीन चार घंटे बाद पूछते थे बेटा कहाँ है कब आएगी। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है, कोई लड़का घर से बाहर निकले माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। ये रोमियो स्क्वाड ने आकर के जो यहाँ पर एक काम किया है, चार लाइनें सुनिए, हास्य को परम उत्सव तक पहुंचाता हूँ, आनंद लीजिए। स्वागत। जुल्फों में उंगलियों को वीराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को वीराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता। वाह 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 वाह,
इतना सुनना था कि पति नाम का आदमी बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। वाह! लेकिन सर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा कराने जाओ, 80 साल की पकड़ा दे। भाई वाह, भाई वाह, भाई जवान, जिंदाबाद, भाई वाह। मैं बता रहा हूँ, चिड़िया मारने वाली बिल्डिंग है। सच बता रहा हूँ, अद्भुत मामला आप लोग। भाई कमाल, कमाल जम्बो भाई, कमाल, वाह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हिंदी का अध्यापक है। बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब बताओ। मैंने कहा इसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, संस्कृत का अध्यापक है। बोले तब सो मां ज्योति का, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हिंदी का अध्यापक दोबारा आए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, गणित का अध्यापक है। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, सामान्य ज्ञान के अध्यापक है। बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम आठवीं पास करके नौवीं गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, विज्ञान के अध्यापक है। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो भाई लॉजिक। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पल्लू बना दूं, टोपी को बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। वाह! ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और भूल पलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुनू, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरी वाल बने। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बगलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता। वाह वाह वाह! इसलिए ही। आभार, धन्यवाद।